सिक्स्थ एनसीईआरटी आज हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था सातवें सवाल का पहला और चौथा जो पार्ट था वो बता दिया था। अगर उसमें से आपको कोई भी सवाल ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम समझेंगे प्रश्नावली 2.1 का सातवां सवाल। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, देखिए इसके बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो मैं बोलता जाऊंगा, आप अपनी किताब खोल लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ट्रू फॉल्स है, ये सही गलत बताना है हमें। नंबर ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या मैंने बताया था आपको, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1, ना कि 0, तो ये असत्य हो जाएगा। बी देखिए, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। देखिए 399 का पूर्ववर्ती है, कॉमा का मतलब है 400 जो संख्या है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती, मतलब संख्या कौन सी है 399, इसका पूर्ववर्ती। इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, -1 कर दें तो 398। ठीक, तो 398 संख्या जो है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती, ना कि 400 संख्या है। ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, आप सी वाला देख लीजिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है पूर्ण संख्या में, 0, तो ये सही हो गया। ठीक, ऐसे ही डी देख लीजिए, 600 जो संख्या है वो संख्या 599 का परवर्ती है। अब 599 का परवर्ती क्या होगा, +1 कर दें। अगर हम यहाँ +1 करेंगे, देखिए 600 आ रहा है, मतलब जो संख्या 599 है उसका परवर्ती क्या है, 600, वही हमसे कह रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। ई देख लीजिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, 1, 2, 3, और पूर्ण संख्या कौन सी है, 0, 1, 2, 3, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और पूर्ण संख्याओं में, तो ये असत्य हो जाएगा। एफ देख लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं ये, हाँ, तो जो ई वाला पार्ट है क्या, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं देखिए पूर्ण संख्या में आती हैं, तो ये सही है। ठीक है, एफ देख लीजिए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 रहता है, तो ये असत्य हो गया। जी देख लीजिए, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। देखिए 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या मान लीजिए 11 है। ठीक, तो इससे अगर हम एक परवर्ती निकालें, इसका पूर्ववर्ती अगर निकालें इसका, तो क्या आएगा, 10। लेकिन अगर हम 10 का पूर्ववर्ती निकालें क्या आएगा, 9, मतलब ये 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है पूर्ण संख्या, और ये 1 अंक की पूर्ण संख्या है, मतलब 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक, तो उसमें कह रहा है नहीं हो सकती है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए एच, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 0, तो ये असत्य हो जाएगा। आई देख लीजिए, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 1-1, 0, तो ये असत्य है। ठीक, के देख लीजिए, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, 11 और 12 के बीच में स्थित नहीं है पूर्ण संख्या 13, क्यों, देखिए 11, 12 और फिर 13 आता है। ठीक है, तो 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता है, तो ये असत्य है। ठीक, एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 0 जो है इसका अगर हम पूर्ववर्ती निकालें तो क्या आएगा, 0, 0 में से माइनस से घटाएं हम। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, ठीक है, तो यहाँ ये जो सवाल है इसका मतलब ये है कि पूर्ववर्ती जो है हो सकता है एक का, जैसे जो पूर्ण संख्या है वो क्या होती हैं, ये होती हैं 0, 1, 2, 3। ठीक, अब इसका अगर हम 0 का पूर्ववर्ती निकालें
ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस वन प्राप्त होगा, जीरो में से एक घटा देंगे तो हम क्या जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो इसका पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या इसका पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसे हम सही कर देंगे। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए आई में कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती, अब प्राकृत संख्या एक है, ठीक है, इसका पूर्ववर्ती प्राकृत संख्याओं में तो नहीं आता है, लेकिन होता है, क्या होता है, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो होता है। ठीक है, तो हम इसे सत्य कर देंगे। ठीक, अब एम देख लीजिए, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। देखिए जैसे 10 है, इसका हम निकालें तो कितना आएगा, 10 का अगर पूर्ववर्ती निकालें तो हम आ जाएगा 11। लेकिन जैसे दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव मतलब हमेशा नहीं होता, क्यों, देखिए 99 दो अंकों की संख्या है, इसमें अगर हम एक जोड़ दें मतलब इसका पूर्ववर्ती निकालें मतलब इसका परवर्ती निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो ये तीन अंकों की पूर्ण संख्या है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि दो अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या नहीं होती, तो इसे हम असत्य कर देंगे। तो ये आपका सत्य सत्य हो गया है। अब हम आगे अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा पूर्ण संख्याओं के गुण, जहां हम समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग में संवृत होती हैं कि नहीं होती हैं, व्यवकलन में संवृत होती हैं कि नहीं होती हैं, गुणन में और भाग में। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे।